हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सब्ज़ी देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या दिखाने जा रही हूँ। शिमला मिर्च आलू, सिंपल रेसिपी है, बहुत क्विकली बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। और एक फ़नी चीज़ जो हुई है कि अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा कुछ ज़्यादा ही पेस्ट से भी ज़्यादा पानी हो गया है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। गैस ऑन करी, इसके अंदर आप अगर पानी हो तो पानी को प्लीज़ सुखा दीजिए। पानी फिर जब ऑयल डालेंगे ना इसमें तो प्रॉब्लम कर जाता है। ये जो मेरे शेडो पड़ रही है ना, ये मेरा ऊपर ये चिमनी है तो इसकी शेडो पड़ती रहती है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप ऑयल डालिए, बस इतना ऑयल लीजिए। ऑयल गर्म हो जाए आई एम नॉट अ कुक, मैं कुक नहीं हूँ और दिस इज नॉट अ कुकिंग चैनल, कुकिंग चैनल मैंने नहीं बनाया। बट फिर भी जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है, कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि आप तक पहुँचा सकूँ। और मेरी कोशिश में अगर किसी को मेरा कुछ बनाया हुआ अच्छा लगता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, थोड़े गर्म तेल में ये आप ज़ीरा डाल दीजिए। ज़ीरा कच्चा मत रहने दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि को बड़ा अजीब सा टेस्ट हो जाता है। जब ये ब्राउन सा हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके अंदर ये मैंने प्याज लिया नहीं अबाउट, ये मेरे 1 kg शिमला मिर्च है तो इसमें मैंने 2 medium size के प्याज लिए हैं। तो उसके बाद इसको आप इसके अंदर ऐड करें। बट केयरफुल, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, मेरे से तो बहुत घोटाले हुए हैं सच्ची में। क्या कितनी बार मेरा गला है ये हैंड्स वगैरह। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा प्याज का जो कच्चा पान है, जो कलर है वो चेंज हो जाए, उतना ही करना है, उससे ज़्यादा मत करिएगा, अदरवाइज आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाएगा। ये देखिए प्याज थोड़ी सी हल्का सा होना शुरू हो गया, उसके बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए जो मिर्चों से ज़्यादा ही पानी वाला अदरक लहसुन का पेस्ट। जरा से इसको चलाइए, थोड़ा सा अदरक और लहसुन की जरा स्मेल चली जाए। तो इसके बाद इसके अंदर आप टमाटर डाल दीजिए। टमाटर आपके ऊपर है कि आपको टमाटर का पेस्ट डालना है या टमाटर प्यूरे डालने हैं। मुझे प्रेफर होता है टमाटर प्यूरे, थोड़ा उसका पीसेस दिख कर रहे इतना, वैसे मुझे बना टमाटर का अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसको कर लीजिए, भून लीजिए। इसमें मसाले हैं लाल मिर्च, हल्दी और सॉल्ट। इसके अंदर आप ये डाल दीजिए सारे मसाले। जब तक ऑयल अपना
सब्जी में से ना सेपरेट हो, तब इसको उसको भूनना है। चलिए अब जैसे आप देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट हो गया है प्याज से। इसके अंदर अब हम गैस को करेंगे सिम। इसके अंदर हम लोग आलू डालेंगे। आलू जब भी आप काटें, अगर काट के रख रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि इसको पानी के अंदर भिगो के रखें, अदरवाइज़ आपके जो आलू का कलर है वो हो जाएगा चेंज। आलू ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरे घर में मेरा भाई जो है वो बहुत आलू खाता है। ज़्यादा इससे ऐसा करते हैं। तो ये आप इसके अंदर डालिए और इसको फुल गैस करके थोड़ा भून लीजिए तो आलू थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। बस गैस चूल्हे से मेरा कुक कर चूल्हे से कहा जा रहा है। हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, जिंदगी परेशानियाँ आती जाती रहती हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बाटी हुई। ये लीजिए मेरी लाइट गई। अब देखिए इसको हो गया है। मियाँ बहुत मुझे आलू को चलाते हुए मियाँ बहुत आ मिले। अब गैस को करेंगे हम सिम। इसके अंदर डालेंगे हम लोग क्या, शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च का थोड़ा क्रिस्प रहना चाहिए। बिस्मिल्लाह, क्या कॉम्बिनेशन है ना, माशाल्लाह। मेरा तो ये है, कोई करे ना करे तारीफ अपनी तारीफ करो, अच्छा लगता है। दिल खुश रहे, आप खुश रहे। शिमला मिर्च की सब्जी तो आप वैसे भी खा सकते हैं। को अच्छे से अच्छे चला के जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और गैस को कर दिया है फुल पे। इसको बस आप एक सीटे के बाद चेक कर लीजिएगा और एक सीटी के बाद आने के बाद प्रेशर में छोड़ के चेक कर लेगा। चलिए फिर मैं देखती हूँ, मेरी एक सीटी जब आ जाएगी प्रेशर में आने के बाद मैं बात करती हूँ। तो जनाब देखते हैं हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। परफेक्ट। आलू को ज़रा सा आप टेढ़े उसमें करके देखेंगे, बिल्कुल गल गया। इट्स अप टू यू, आपको लिक्विड वाली रखनी है या आपको भुनी हुई रखनी है। अगर भुनी हुई रखनी है तो गैस चला दीजिए, बन जाएगी सब्ज़ी। और इसको आप रोटी से खाइए, चावल से खाइए, जैसे इस टाइम मेरे चावल बन रहे हैं। और एक ट्रिक आपको मैं बताती हूँ, चावल आप बॉयल करें तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए तो आपके जो चावल है ना खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल खिले। ट्राई करके दीजिएगा। तो मुझे चावल से खाना है तो मैं सब्ज़ी को ज़्यादा भूनूंगी नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फिर दोबारा इंशाल्लाह मिलूँगी, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।